दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल रेट इन्फोवेज में। दोस्तों आज मैं आपके लिए जानकारी लेकर आई हूँ भागलपुर न्यू दिल्ली वीकली सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन की। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन बटन पर क्लिक जरूर करें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी पसंद की वीडियो बनाऊँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। दोस्तों यह ट्रेन भागलपुर जंक्शन से नई दिल्ली तक चलती है। इस ट्रेन का नंबर है 123/49। यह ट्रेन 21 घंटे 30 मिनट में अपनी दूरी कवर करती है। टोटल डिस्टेंस जो ये कवर करती है वो है 1220 किलोमीटर और इस ट्रेन की एवरेज स्पीड है 56 किलोमीटर पर आवर। इसके तकरीबन 12 स्टेशन हैं। यह ट्रेन हफ्ते में सिर्फ एक ही दिन चलती है, सोमवार के दिन। अब बात करते हैं इसके टिकट किराए की। इसमें सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर क्लास, जनरल और रिजर्व डिब्बे अवेलेबल है। सेकंड एसी का किराया है 2100 रुपये, थर्ड एसी का किराया है 1455 रुपये, स्लीपर क्लास का किराया है 550 रुपये, जनरल और रिजर्व डिब्बे का किराया है 310 रुपये। ये अपडेटेड किराया नहीं है दोस्तों। अपडेटेड किराया जानने के लिए आप किसी भी रेलवे की वेबसाइट पर जाकर एक बार ज़रूर कन्फर्म कर लें। अब बात करते हैं इसके टाइम टेबल की। यह ट्रेन भागलपुर जंक्शन से हर सोमवार को रात के 3:30 पर 1 या 4 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है। अगला इसका स्टेशन आता है सुल्तानगंज, जहां पर यह रात के 3:52 पर पहुंचती है और 1 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। इसका अगला स्टेशन आता है जमालपुर जंक्शन, जहाँ पर यह 4:28 पर पहुँचती है और 5 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। इसका अगला स्टेशन आता है अभयपुर, जहाँ पर यह सुबह के 4:54 पर पहुँचती है और 1 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। इसका अगला स्टेशन आता है किउल जंक्शन, जहाँ पर यह 6 बजे सुबह पहुँचती है और इसका यहाँ पर 20 मिनट का स्टॉप है। इसका अगला स्टेशन आता है नवोड़ा स्टेशन, जहाँ पर यह 7:45 पर पहुँचती है और 2 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। अगला इसका स्टेशन आता है गया जंक्शन, जहां पर ये 9:30 पर पहुंचती है और 5 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। इसका अगला स्टेशन आता है सासाराम जंक्शन, जहां पर ये सुबह के 11:02 पर पहुंचती है और 2 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। इसके बाद इसका अगला स्टेशन आता है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, जहाँ पर यह दोपहर के 1:43 पर पहुँचती है और 15 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। अगला इसका स्टेशन आता है इलाहाबाद जंक्शन, जहाँ पर यह 4:08 पर पहुँचती है और इसका यहाँ पर 10 मिनट का स्टॉप है। इसका अगला स्टेशन आता है कानपुर सेंट्रल, जहाँ पर यह शाम के 6:45 पर पहुँचती है और 5 मिनट के स्टॉप के लिए रुकती है। इसके बाद इसका आखिरी स्टेशन जो आता है दोस्तों वो है नई दिल्ली, यहाँ पर यह रात के 1 बजे पहुँचती है और 12 नंबर प्लेटफॉर्म पर जाकर अपनी यात्रा समाप्त कर लेती है। इसी के साथ इस ट्रेन की वीडियो की जानकारी समाप्त होती है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।